हम लोग जो पूजा पाठ करने वाले हैं अकेले में सोचते होंगे कि हम इतना सब कुछ तो करते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन तो नहीं दिखता। हम जब पढ़ते थे तो केवल पढ़ने का लक्ष्य था, फिर उसके बाद विवाह हुआ, बच्चे हुए, नाती पोते हुए, बुढ़ापे तक हम संसार में गिरते चले गए। ऐसा क्यों? इसका एक उत्तर है, बहुत सावधान होकर समझ लीजिए। हमने जो कुछ परमार्थ का कार्य किया उसका मूल गलत हो गया। पहला ABCD गलत हो गया, काखा गाघा ही गलत हो गया। क्या गलत हो गया? हमारे यहां वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है कि बंधन और मोक्ष का कारण, अच्छाई बुराई का कारण, पाप पुण्य का कारण, सदाचार दुराचार का कारण केवल मन है। मन तेजो बिंदु उपनिषद में भी ये मंत्र है, भागवत में भी है, चेत खलवस्त बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। बस हमने यही गलती कर दी। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पंडितों ने, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य कहलाते हैं, इन लोगों ने हमको ये नहीं पढ़ाया कि सबसे पहले ये समझो कि गड़बड़ करने वाली मशीन कौन है? मन। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े कीर्तन हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं रामायण के, गीता के, भागवत के, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब तो कर रहे हैं, चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सुन रहे हैं भागवत सप्ताह, लेकिन ये हमने कभी सोचे ही नहीं कि ये सब इंद्रियों का वर्क है। हमको तो मन को शुद्ध करना है, इंद्रियों को नहीं। ध्यान दीजिए, आप एक बोतल लीजिए, उसमें गंदी चीजें भर दीजिए और पैक कर दीजिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए और 24 घंटे 48 घंटे बाद उसको निकालिए और किसी पंडित जी से कहिए, आचमन करेंगे आप इसका? ए क्या भक्ता है, ये गंदी चीज। अरे गंगा जी में रहा है 48 घंटे। अरे बेवकूफ, गंगा जी में ये अंदर वाली चीज नहीं रही, ये बाहर वाली चीज रही है। बोतल
शीशे की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, अगर अंदर वाली चीज आप गंगा जी में डाल देते तो हम गंगा जी के जल का आचमन करते, नहाते, क्योंकि वो गंगा जी बन जाता। तो क्यों जी, आप जो ये सब कुछ करते हैं, पाठ, पूजा, जप, व्रत, ये कौन करता है? मन करता है कि इंद्रियां करती हैं? एक क्वेश्चन, इंद्रियां करती हैं। जल्दी जल्दी है, 1000 जप, 2000 जप, 1008 रामायण के पाठ, मन पर ध्यान नहीं दिया। मंदिरों में जाते हैं, जितना सुख अपने बाप को देखकर, मां को देखकर, बेटे बेटी को देखकर होता है, इतना भी सुख नहीं होता मूर्ति को देखकर। तो फिर मूर्ति में भगवान है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, ये भावना मन से नहीं हुई। आप लोग और मंदिर के पुजारी लोग भोग लगाते हैं, थाली सामने रखकर ऐसे पानी फेरते हैं और आंख मूंदते हैं, कुछ लोग मंत्र भी बोलते हैं जिनको याद है, और कुछ लोग नहीं, बेचारे पढ़े लिखे हैं संस्कृत, ऐसे ही आंख मूंद करके अपना कुछ, और फिर खाते हैं। उनसे पूछो ये क्यों करते हो? ठाकुर जी को खिला के खाते हैं, और क्यों करते हैं? अच्छा हमको बताओ, वो आदमी जिसने आंख मूंदने के बाद जब खोला तो देखा कि ठाकुर जी ने किधर खाया है, नहीं खाया, मैं ऐसा पापी हूं, ये फीलिंग किया? नहीं जी, वो तो हमको मालूम है वो खाए होंगे नहीं। तो फिर नाटक करते हो भगवान के साथ? ये 420, अरे मनुष्यों से करो तो करो, भगवान को तो छोड़ दो, ये क्या बोल रहे हो? तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव, अरे जब भगवान को अर्पित कर रहे हो तो एक बार तो देख लो इस दृष्टि से, हाय आज भी भगवान ने कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी तो फीलिंग लाओ। नहीं जी, 100% विश्वास है कि खाए आएंगे नहीं। ये हम लोगों का हाल है। बाप मर गया, बेटा मर गया, बीबी मर गई, पति मर गया, श्मशान ले जाते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है, ये शरीर असत्य है, क्योंकि देखो ये चला गया, बाप बैठा है, बेटा चला गया। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हैं इंडिया वाले, सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अगर वही बाप वही बेटा अर्थी में उठ के बैठ जाए, यानी सचमुच नहीं मरा था, ऐसा होता है कहीं कहीं कभी कभी, तो ए चुप, अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है। ये हाल है हमारी बुद्धि का, क्यों नहीं बोले? फिर मर जाएगा। अच्छा, राम नाम सत्य बोलने से मर जाएगा? हाँ, राम नाम सत्य ना बोलो और सब बोलो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। ये राम नाम सत्य शब्द जो है
ये मरने पर ही बोला जाएगा। ये हम लोगों के नॉलेज का हाल है। हम संसार में सर्वत्र विश्वास करते हैं और भगवान के एरिया में डाउट। हमारा ये काम कर दो तो दुर्गा जी आपको हम ये चढ़ाएंगे, हनुमान जी आपको हम इतने शेर लड्डू चढ़ाएंगे। ये पहले काम कर दो वरना हमारा पैसा बेकार जाए। और संसार में तो पूरा विश्वास है, 1 करोड़ दे दिया बैंक वाले को छेद में से, रसीद दे दे। उसने लेके रख लिया अपना, वो गिन रहा है, गिन के आराम से 10 मिनट में रसीद दे दिया। अगर आप कहते हैं पहले रसीद लाओ, क्या पता तुम न रसीद दो तो, और वो कहे पहले रुपया लाओ, तुम रुपया ना दो हम रसीद दे, तुम लेके चलते बनो, तो बताओ संसार में कोई काम होगा? हम सब जगह संसार में विश्वास करते हैं। बड़े बड़े अरबपतियों का काम सब मुनीम लोग करते हैं, करोड़ों रुपया ले जा रहे हैं, बैंक में ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो सेठ जी करते हैं? अरे हमारे देश में ब्लैक मनी अरबों खरबों चल रही है बिना लिखा पढ़ी के, विश्वास पर। लेकिन भगवान का मामला जब आया तो पहले काम कर दो। ये हाल है हम लोगों का। तो मन से उपासना की जाए तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो उसी मशीन से आइडियाज बनते हैं अच्छे बुरे। मन से तैस्तान्यघान पूयन्ते तपोधान व्रताद भी ना धर्मजम तद्हृदयम तदपि सांग्रि सेवया। भागवत 6वें स्कंद के 2वें अध्याय का 17वां श्लोक। धर्मेण पापम अपानुजति, वेद कह रहा है, यानी अगर कोई धर्म का पालन ठीक ठीक भी कर ले, ओ असंभव है। आपको हम बताएं, एक हवन करते हैं आप यज्ञ, हाँ शादी ब्याह में कथा वथा में सब जगह हवन होता है, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना। इसमें 6 शर्तें हैं, आप 1 का भी पालन नहीं करते। नंबर 1, किस जगह हवन हो, कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है, किस समय हवन हो वो भी मुहूर्त से हो, और जो मंत्र हो, वेद मंत्र में स्वर होते हैं, उदात अनुदात स्वरित, जैसे गायत्री मंत्र आप लोग जपते होंगे बहुत से लोग, ये वेद मंत्र है, इसमें स्वर है। तत् सो विधुर्वरेण्यम, ऐसे स्वर बोलना चाहिए, नहीं तो यजमान का नाश हो जाएगा। अगर 1 स्वर गलत हो गया तो मंत्र का अर्थ उल्टा हो जाएगा। वृत्रासुर राक्षस ने यज्ञ कराया कि हमसे इंद्र मरे, और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, और ऋषियों को पकड़ के ले आया, वो जबरदस्ती करो यज्ञ। ऋषियों ने कहा अरे हमारा देवता है इंद्र,
और हम यज्ञ करें कि वो मरे, लेकिन न करेंगे तो ये मार डालेगा, राक्षस है। सबने आपस में मीटिंग किया है, एक स्वर को आद्युदात्त को अंतोदात्त कर दो सब लोग मिलके, ये तो अक्षर सुनेगा बस। इंद्र शत्रुर, इंद्र शत्रुर, शब्द वही बोल रहे हैं। और एक आद्युदात्त का अर्थ हो गया कि इंद्र का शत्रु बढ़े, और अंत्योदात्त का अर्थ हो गया इंद्र बढ़े। अक्षर वही है। यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम लोगों ने जो मांगा हमने दिया। मुस्कुरा के भगवान बोले, राक्षस खुश हो गया कि इंद्र मरेगा हमसे और हम स्वर्ग के राजा बनेंगे। अब जब मरने लगा, इंद्र ने वज्र फेंका, और जब मरने लगा तो उन्होंने कहा महाराज हम भी आपके संतान है, आपने वर दिया था कि जो मांगा है यज्ञ में दिया और हमको मरवा रहे हैं आप। भगवान ने कहा अरे गधे, तेरे मंत्र का अर्थ यही था। अरे तो ये तो ऋषियों ने गलती की, तो तेरे तो पुरोहित है, तू जिम्मेदार है। देखो एक स्वर की गलती से और उल्टा हो गया, वृत्रासुर मारा गया। इतने कड़े नियम हैं कर्म धर्म में, और अगर कोई पालन भी कर ले तो ध्यान दो, पाप नष्ट हो जाएगा जिस पाप के लिए आप ये कर रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे किसी को सजा हो गई चोरी में 2 साल की, अब 2 साल वो जेल में है और वहीं बैठे बैठे प्लान बना रहा है, जब मैं निकलूंगा तो अमुक सेठ के यहां ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे, और चोर चोर आपस में मीटिंग करके प्लान बना लिए। तुम कब निकल रहे हो? अच्छा देखो फिर हम दोनों मिलेंगे वहां, तो फिर ऐसा करेंगे, वैसा होगा वैसा होगा। यानी मन नहीं शुद्ध हुआ, वो पाप धुल गया। जो चोरी मैंने की थी 2 साल सजा भोग लिया, अब हमको कोई चोर न कहे क्योंकि हम 2 साल सजा भोग जाए, लेकिन आगे हम चोरी करेंगे क्योंकि मन तो अभी गड़बड़ है। तो ऐसे ही अगर किसी ने एक गाय की हत्या की तो उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में, वो कर दिया तो पाप तो धुल गया वो, लेकिन वो फिर गो हत्या करेगा, फिर पाप करेगा, फिर झूठ बोलेगा। तो मन की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, कोई मार्ग नहीं। राधे।